So we are traveling from Jamnagar to Dwarka by road. हम लोग जा रहे हैं और रास्ते का सफर बड़ा अच्छा है. 150 किलोमीटर करीब का रास्ता है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर. और इस पूरे रास्ते में कोस्टल एरिया भी है और चलते हुए देखते हैं कि किस तरीके का मुझे जो बाय रोड जर्नी का जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी फील करने की कोशिश करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि जामनगर से द्वारका के बीच का जो रास्ता है वो कितना इंटरेस्टिंगली तरीके से मैं आपको दिखा सकूँ. रास्ते की जो सीनिक ब्यूटीज हैं उसको भी हम देखते हुए चलेंगे. का सफ़र फिर से चालू है और हम लोग ने आज सुबह मतलब कि 10 नवंबर है आज की डेट और 2021 और आज हमने दिल्ली से फ्लाइट ली है वाया मुंबई होते हुए और 12 बजे के आसपास 12:30 आई थिंक हम लोग जामनगर पहुँचे हैं. मेरे साथ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मिथुन प्रमाणिक भी हैं, कोलकाता से हैं और मेरे दोस्त हैं. हम लोग साथ में डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं. तो मिथुन भी हमारे साथ में, मिथुन का भी एक्सपीरियंस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तो मिथुन भाई मुझे ये बताइए कि गुजरात आपका इससे पहले कभी आना जाना हुआ है? गुजरात में ये पहली बार मेरा ट्रिप है. अच्छा, दिस इज रियली एक्साइटिंग. अच्छा, तो आपने एक्साइटिंग उसकी बात की है, तो एक्साइटमेंट आपका अब तक का क्या है? तो अब तक का तो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है, एडवेंचरस था. हम लोग का फ्लाइट थोड़ा हम लोग का थोड़ा लेट हो गया और हम लोग का एक लगेज भी दिल्ली में रह गया, दिल्ली में रह गया. ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है कि एयर इंडिया का जब से कहते हैं ना, जैसे एयर इंडिया को टेक ओवर टाटा ग्रुप ने किया है, तो आज जब हम लोग काफ़ी समय के बाद जब ट्रैवल किए हैं एयर इंडिया में, तो आज का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का वो थोड़ा सा बिटर है. वो इसलिए क्योंकि जब से ये टाटा ने टेक ओवर किया है और इंडिया का जो इसमें एक जो सर्विसेज का जो हम क्राइसिस जो है वो आज हमने इसको फील किया है. क्योंकि एयरपोर्ट पे भी जो है वो जिस तरीके की सर्विसेज आमतौर पर एयर इंडिया देता है वो हमको देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा दिक्कत हुई. और मेन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो पर्सनल जो लगेज है बैग है वो दिल्ली में ही रह गया है, तो मेरे पास अब कपड़े वगैरह नहीं हैं और हम लोग द्वारका जा रहे हैं. द्वारकाधीश जो करेंगे द्वारकाधीश करेंगे तो भगवान उस पर जो करें उसमें वो करेंगे. तो मिथुन मुझे एक बात बताइए कि ये जो रास्ता है जाने का बाय रोड आपको क्या फीलिंग दे रहा है? मतलब कि आप वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द्वारका द एंशियंट सिटी ना लॉर्ड कृष्णा, क्या आपके मन में फीलिंग है? इससे द्वारका के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई किया था तो आई एम काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड लाइक किस टाइप का होगा पूरा जानिए. इनिशियली जब हम लोग रास्ते में देख रहे हैं तो थोड़ा कुछ गाँव वगैरह देख रहे हैं तो थोड़ा यहाँ का जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट. ओवरऑल दिस इज वेरी एक्साइटिंग जर्नी सो फार. हम लोग बहुत अच्छा खाना खाया लाइक लंच के लिए. हाँ, मैं एक बात एक यहाँ पर मिथुन भाई ने बहुत अच्छा क्या कहते हैं वो किया. अभी हमने जामनगर में ही लंच किया है और मैं तो चूंकि गुजरात काफ़ी आना जाना होता है तो गुजरात का जो ट्रेडिशनल फूड है और जो हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए तो खैर क्या कहना है, तो पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन जो खाना है आज जो हम लोगों ने खाना है, मिथुन ने पहली बार गुजरात का खाना खाया है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग है. तो मिथुन आपने जो पहली बार जो गुजरात का खाना एक ढाबे में रेस्टोरेंट में खाया है तो क्या हमारे लोगों को बताएंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस था? तो ये तो क्या बोले लाइक 4-5 आइटम था और जितना हो सके आप खा सकते हैं और इसका प्राइस इतना कम है आई थिंक इंडिया में कोई भी जगह में इस टाइप का प्राइस में खाना नहीं मिला. हाँ, वो भी फूड क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी जो है उस प्राइस में फूड क्वालिटी का जो है आमतौर पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. और सो फार लाइक हम लोग का जर्नी दिल्ली से मुंबई से जामनगर अच्छा नहीं था, मगर जब हम लोग जामनगर लैंड कर लिया उस टाइम सो फार लाइक कंपनसेशन जो
एक अच्छा लंच करके जो हुआ है वो उसमें, तो थोड़ा सा कूल डाउन भी हुए हैं। जो लगेज की जो एक क्वायरी है वो मैंने ट्विटर पर डाली है एयर इंडिया को टैग करते हुए, लेट्स सी वो क्या है, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो लगेज है, मेरे जो कपड़े हैं, वो मुझे वापस मिल जाएंगे। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जो जामनगर जो है वो गुजरात का एक एंशियंट सिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, और यहाँ पर जो रिफाइनरी है वो वर्ल्ड फेमस रिफाइनरी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर बालाजी का एक बड़ा फेमस मंदिर भी है, बड़ी उसकी आस्था है आसपास गुजरात में, खासकर इसका काफ़ी महत्व है। और टेक्सटाइल भी है, खासकर जो बांदरी जो साड़ी जो होती है, जो टेक्सटाइल होता है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आराधना धाम एक जगह का नाम है, बीच रास्ते में रुका है, चाय पीने के लिए चाय की दुकान है, देखते हैं चाय का किस तरीके का है। खासतौर पर चाय जो है वो इस तरीके से मिलती है चाय, ये टिपिकल स्टाइल है चाय पीने का। राजू भाई, ये राजू भाई हैं हमारे, ये इस समय जो कैब जो चला रहे हैं इसके ड्राइवर हैं, ये हमको द्वारका तक छोड़ेंगे। कैसी है चाय? ये रेगुलर है, ये यहाँ के हैं और हॉल्ट लेते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, चाय पी के देखते हैं कैसी है। चाय वो भी कप फैक्ट्री में, हालांकि मेरी आदत में नहीं है इस तरीके से चाय पीना, और इसका मजा तभी है जब आप इसको गरम गरम हाथ में इस तरीके से पकड़े, और एक जो टिपिकल जो साउंड होता है ना चाय पीने का वो निकले, वो जब तक साउंड नहीं निकलेगा तब तक चाय पीने का मजा नहीं आएगा। लाइक दिस चाय बहुत बढ़िया है। हैबिट में नहीं है ना इस तरीके से चाय पीने का, लेकिन इसका अपना एक अलग मजा। कभी जामनगर से द्वारका की तरफ आए और इस तरीके के छोटे से चाय की दुकान पर अपने आपको 5-10 मिनट का हॉल्ट करें और इस तरह से चाय पीने का जो है वो लुत्फ होता है, बड़ा मजा आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चाय कैसे पकड़ा जाता है? ऐसे हाँ, अच्छा उनको थोड़ा दिखा दीजिए कैसे पकड़ा है, बता दो बाकी जाके बता, कैसे हो इसको ऐसे पकड़ना है, ना गिरेगा ना कुछ, और पीने का भी आपको मजा है। ये ऐसे पकड़ोगे वो लड़ता है, ऐसे पकड़ो बाद में ही लेना, भले कोई बात नहीं, पहले आप ऐसे तभी पूरा दिखेगा ना चाहे पीते हुए पूरे अच्छे दिखेंगे ना, वो हाथ बीच में आ जाता है, घट जाता है, ये बोल है ना अभी गलत बोल रहा हूँ, अभी बढ़िया है। दिस इज द टेक्निक, लोकल टेक्निक।
सो फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन द्वारका, द्वारकाधीश, यहाँ द्वारकाधीश विराजे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुदामा सेतु, और यहाँ से ये जो अरेबियन सी है उसको आप बड़े आसानी से मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर द्वारका में हैं, और द्वारका में जो है जो टिपिकल गुजराती जो थाली है उसको हम लोग ट्राई करेंगे, वो देखेंगे कि गुजराती जो टिपिकल थाली है उसका टेस्ट किस तरीके से है। एंड ये टिपिकल गुजराती ट्रेडिशनल खाना है, तो बहुत सारा आइटम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये लुक्स लाइक अ पेंटिंग। ये बस पापड़ भी है, देखते हैं इसका टेस्ट किस तरीके से, क्योंकि इतना सारा खाना है, इतना खाना खाने की इतनी आदत से नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना खा पाते हैं। तो मिथुन इज वेरी एक्साइटेड। ये छाछ है यहाँ पर, पानी आपको नहीं मिलेगा पीने के लिए, आपको पीने के लिए छाछ मिलेगा, और छाछ अनलिमिटेड है, खाना भी अनलिमिटेड है, आप जितना खा सकते हैं। तो हम ये खाना शुरू करते हैं। हाँ, और ये घी भी है, गुड़ भी है। खाना इतना सारा, ये खाया कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखते हैं। सो मिथुन, सो मिथुन, आर यू रेडी? तो हम लोग अपना खाना शुरू करते हैं, खाने के बाद फिर इसका रिएक्शन आपको बताते हैं। दिल्ली में आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मैं मेहसाणा से आया हूँ, और नाम है मेरा मनीष मोदी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अभी जो खाना खाया है वो आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है, मतलब कि व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट खाना है। मैं कल भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। अच्छा, डेढ़ घंटा वेटिंग किया, लेकिन बाहर खड़ा रहा। हाँ। और डेढ़ घंटे के बाद भी खाना तो यहीं से खाया। तो आप यहाँ के ओनर हैं, तो आपके यहाँ जो खाना खाने के लिए आता है, आपके यहाँ जो खाना खाने के लिए आता है, आप क्या किस तरह से उनको खाना देते हैं? મારે તો દુહાર કામાં 10 વર્ષથી આલે આવો હોલ શ્રીનાથ ડાઇનિંગ હોલ, પણ 130 રૂપિયામાં 24 આઈટમ છે, પણ આમાં જોઈએ ને તો પૈસા બહુ વધતા ને, કસ્ટમરને જમાડવાનો શોખ છે। વો ક્યાં બતા રહી પિછલે 10 સાલ થી ચાલ રહી હૈ, 24 આઈટમ ખાના ખિલા રહી હૈ, પૈસા કમાને કા વો કોઈ ઇસકા કોઈ મતલબ નહીં હૈ, વો દિલ સે લોગો કો ખાના ખિલા રહી હૈ। સો મિથુન, ધ ફૂડ ઇઝ ઓવર, યા, ઇટ્સ બિયોન્ડ એની વર્ડ્સ, લાઈક યુ કેનોટ એક્સપ્લેન ઇન વર્ડ્સ, લાઈક નો વર્ડ્સ, ઇટ્સ પ્રિવિલેજ મીટિંગ હર લાઈક। तो ये खाना मिथुन ने खाया है, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से थाली जो है फिनिश हो गई है। तो कैसा लगता है कि जब बाहर से लोग बाग आते हैं आपके पास खाना खाने के लिए? खाना खाने तो बेटा कोई देह बाकी ना, ये डेस्टिनेशन ऐसा है कि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे द्वारकाधीश मंदिर है, और उसमें जो पताका है वो भी आप लहराते हुए देख सकते हैं। सामने ही सुदामा सेतु है, और ठीक मेरे सामने से गोमती जो नदी है, जो मीलों लंबा सफर तय करके जो यहाँ अरेबियन सी में जो मिलती है, वो यहाँ पर आके समुद्र से अरेबियन सी में मर्ज होती है।
आगे की जो स्टोरीज हैं वो मेरे चैनल पर आप लगातार देख सकते हैं। मेरे चैनल अनबाउंड इंडिया को आप सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। लाइक तो आप करेंगे ही। अगली किसी डेस्टिनेशन पर फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। तब तक के लिए धन्यवाद।